देखिए दोस्तों, मधुमालती के खूबसूरत फूलों को देखिए, कितनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो रखी है। इसमें और भी ज़्यादा ब्लूमिंग थी, मगर कल तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से इनके बहुत सारे फूल झड़ गए हैं। दुनिया में कई तरह के फूल होते हैं दोस्तों, कुछ साल में कई एक बार फूल देते हैं, कुछ सीजनल होते हैं जो एक सीजन में आते हैं फिर नहीं आते हैं, नहीं फूलते हैं। मधुमालती की बेल के फूल ऐसे हैं दोस्तों, जो कि साल में दो तीन बार अपनी फूल देता है, ब्लूमिंग देता है। 2020 में ये दूसरी बार है ये जब ब्लूमिंग पे है दोस्तों। एक बार ये ब्लूमिंग स्प्रिंग सीजन में दे चुका है, शायद ये दो तीन बार और भी ब्लूमिंग देगा दोस्तों। पूरे साल में पहले मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था कि ये कई बार ब्लूमिंग करता है, पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो ध्यान रखूँगी कि नेक्स्ट बार ये फिर कब ब्लूमिंग देता है। इस साल जाड़े का सीजन इसका डोर्मेशन पीरियड होता है दोस्तों, इसलिए उस समय ये ब्लूमिंग नहीं करता है, ये गुच्छों में फ्लावर देता है। आज अगस्त 5 तारीख है 2020 की। आज अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है, इसलिए ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी यादगार वीडियो होगा और मुझे याद रहेगा दोस्तों। इसे आप गमले में या ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड के यहाँ अगर ये है तो आप वहाँ से इसकी कटिंग लाके अभी इस सीज़न में लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं। ये गमले में भी अच्छी ब्लूमिंग देता है दोस्तों, इसे कटिंग के द्वारा या लेयरिंग के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। मैंने इसे ज़मीन पे लगा रखा है और ये काफ़ी बुशी हो गया है। देखिए, मैंने इसे अपने किचन के खिड़की के नीचे लगा के रखा है। देखिए, इसकी बेलें खिड़की के ऊपर तक चली गई हैं। मैं इसकी प्रूनिंग नहीं कर सकी फरवरी में दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी बुशी हो गया है। इसके पत्ते भी देखिए कितने हरे हरे हैं। इसकी ब्लूमिंग गुच्छों में होती है दोस्तों। पहले इसका कलर, फूलों का कलर पहले वाइट होता है, फिर लाइट पिंक होता है, फिर बाद में इसके कलर इस तरह से रेड हो जाते हैं और बाद में ये झड़ जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह की खुशबू, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है शाम के समय, और इसकी खुशबू का एहसास दूर दूर तक होता है दोस्तों। ये आपके आस पड़ोस के घरों तक भी इसकी सुगंध चली जाती है। मेरे घर में तो ये लगा ही हुआ है तो यहाँ पर तो इसकी खुशबू आती ही है। मैंने इसे साउथ साइड में लगाया हुआ है जहाँ इसे पूरे दिन की धूप मिलती है दोस्तों। ये पेरेनियल प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसे किसी भी अच्छे कटिंग में, किसी अच्छे स्टेम, सेमी उडी स्टेम, इस तरह की स्टेम से कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। कटिंग लगाते समय आप कटिंग की लंबाई 6 से 10 या 12 इंच रख सकते हैं और इसे किसी सॉइल में, गमले में डायरेक्ट या फिर ऐसे ही लगा लीजिए ज़मीन पे, रूटिंग हार्मोन लगा करके। बारिश के दिनों में ये जल्दी जड़ पकड़ लेगा। और ज़मीन में लगाते समय 1-1.5 इंच नीचे इसे दबा कर लगाएं।
दोस्तों देखिए ये फूल कितने ही खूबसूरत होते हैं। इसका एक और नाम है मधुमालती के अलावे इसे रंगून क्रीपर भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन करके नहीं दिखा रही हूँ कैसे कटिंग लगाया जाता है, क्योंकि मैं ही वीडियो शूट कर रही होती हूँ और मैं ही बोल रही होती हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। कोई और वीडियो लेता तो मैं सब कुछ आपको करके बता के देती। दोस्तों मैं मधुरी माँ रांची उपवन से, नमस्कार। मैं भूल गई थी दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़। फिर मैं मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए पौधे के साथ या किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।